저는 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게 다 상처로 남아 이미 어긋나버린 너와 나 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내 맘 이제 내겐 이 자리는 없어 돌이킬 수도 없어 지쳐가나봐 내가 Bye 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 leave me by There's no reason why Bye bye reason why 놓아줄게 널 이제는 leave me by But you still in my mind My leave my mind तो सर आप ऑन कैमरा कुछ बोलना चाहिएगा थैंक यू सो मच बेटा जी नाइस डेकोरेशन गिविंग मी सच अ सरप्राइज गिफ्ट एंड ऑल हे एवरीवन दिस इज़ ओनम सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैं अच्छी हूँ और ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज है 8 अक्टूबर और आज दिन है फ्राइडे और आज है मेरे हस्बैंड जी का हैप्पी बर्थडे तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ अपने हस्बैंड के जन्मदिन पर क्या क्या रेसिपी बनाई उसकी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ तो ये मैं उड़द दाल को रात भर भिगो ली थी और मेरे हस्बैंड की फेवरेट चटनी की रेसिपी है मिर्च की चटनी तो ये मैं उनके लिए बना रही हूँ जो भी उन्हें पसंद होता है वो मैं उनके लिए आज तैयार करने जा रही हूँ जो जो मेरे हस्बैंड खाना पसंद करते हैं तो जैसा कि नवरात्रों का टाइम चल रहा है और नवरात्र में हम लोग ऑनियन गार्लिक बिल्कुल भी नहीं खाते हैं तो बिना ऑनियन गार्लिक का आज मैं घर पर सारा खाना तैयार कर रही हूँ तो ये देखिए मिर्च की चटनी के लिए मिर्च को हल्का सा फ्राई कर ली हूँ और उसके बाद मैं उसमें आमचूर पाउडर और नमक डाल करके उसका चटनी तैयार कर लूँगी ये बहुत ही टेस्टी लगता है सच में पराठे चावल या किसी के साथ भी आप साइड डिश ले सकते हैं इसे और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू गोभी और मटर की सब्जी बना रही हूँ और यहाँ पे ये देखिए मैं दही बड़े तैयार कर रही हूँ जो कि दाल को मैं पीस करके ढक करके छोड़ दी हूँ और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बरी कढ़ी हमारे घर शुभ काम में बरी कढ़ी बनाया जाता है हमारे बिहार में ये बहुत ही ज़रूरी है कि कोई भी शुभ काम में दही बड़े बड़ी कढ़ी ये सब बनता है और साथ में मैं मसाला तैयार कर ली हूँ तो मसालों में मैं ले ली हूँ जीरा काली मिर्च अदरक लाल मिर्च सबको मैं मिक्सर ग्राइंडर में पीस ली हूँ और बाकी मैं तेल चढ़ा दी थी और उसमें मैं ये दही बड़े बना रही हूँ दही बड़े तो मेरा बहुत परफेक्ट नहीं बन पाता है लेकिन जितना मुझे आता है बनाना उतना मैं बना ही लेती हूँ और मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ की बनी हुई दही बड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो बस यहाँ पे ये दही बड़े ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं तो यहाँ पे अब मैं उसी कढ़ाई में ये जो बरी के लिए मैं जो घोल तैयार की थी बरी भी बना लूँगी और दोस्तों मैं घी नहीं खाती हूँ और घी का मैं नहीं बना रही हूँ नवरात्रों में बिना अनियन गार्लिक का बना रही हूँ लेकिन साथ में मैं सनफ्लावर ऑयल यूज कर रही हूँ और साथ में ये मैं सोच रही थी कि मतलब थोड़ा सा मैं गोभी मंचूरियन भी बना लूँ क्योंकि ये भी मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है और आज बस उनके पसंद का सारा खाना मैं तैयार कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं गोभी में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर ली हूँ और साथ में मैं ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर ली हूँ और अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर ली हूँ और इसका एक कोट मैं चढ़ा लूँगी गोभी पे और साथ में मैं यूज कर रही हूँ फूड कलर तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं बना रही हूँ बिना ऑनियन गार्लिक के और बिना ऑनियन गार्लिक के भी आप गोभी मंचूरियन बहुत ही अच्छा बना सकते हैं बस इसमें जो आपको जो सॉस है जो शायद ग्रीन चिली सॉस में मैं इंग्रेडिएंट्स तो नहीं चेक की हूँ लेकिन शायद उसमें गार्लिक मिलाया हुआ होता है तो मैं उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी और बस मैं एक कोट चढ़ा लूँगी इस पर इस तरीके से थोड़ा सा और इसमें मुझे लगता है कॉर्नफ्लोर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि गोभी पूरा वाइट दिख रहा है तो बस इसमें अच्छे से कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसका एक कोट चढ़ा करके इसे साइड में रख दीजिए और फिर इसे डीप फ्राई करके निकाल लीजिए तो बस इसे मैं रख दूँगी साइड में और अब मैं ये तेल गर्म हो चुका था तो बस
आज मैं क्या कर रही हूँ, जैसे अपने जो काम है, जो खाना पकाना है, तो उसका मैं दो चीज़ों में डिवाइड कर ली हूँ। पहले मैं डीप फ्राइंग का काम कर लूँगी और फिर उसके बाद खाना बना लूँगी। इसके पहले मैं क्या की थी कि तीन पार्ट में से डिवाइड कर ली थी कि कटिंग का काम मैं पहले कर ली और उसके बाद फ्राइंग का काम, फिर उसके बाद बनाने का काम। और यहाँ पे ये देखिए मेरा इमली का प्यूरी भी तैयार हो गया, जो कि मैं रात भर सोक करके रखी थी और उसके बाद मैं इसे फिल्टर करके निकाल ली हूँ, इसका जो पल्प होता है। और इमली की चटनी और दही बड़े के लिए मैं यहाँ पर रोस्ट कर रही हूँ रेड चिल्ली और धनिया और साथ में जीरा, मैं सबको रोस्ट कर लूँगी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत अच्छा स्मेल भी आता है। और यहाँ पर इमली को मैं एक पैन में इमली का जो प्यूरी है उसे डाल करके उसमें मैं गुड़ डाल करके उसे छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए, ताकि गुड़ जो है वो इमली के पल्प में मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए पूरा इमली के जो पल्प है उसमें बबल्स आने लगे हैं, तो बस इसमें मैं ऐड कर लूँगी ये जो मैं जीरा और धनिया और मिर्ची का जो पाउडर तैयार कर ली थी उसे मैं ऐड कर लूँगी। और आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं। ड्राई फ्रूट्स को लेकर के मैं बात कर रही हूँ, तो बस मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा चीनी, क्योंकि थोड़ा सा चीनी का फ्लेवर आता है तो फिर अच्छा लगता है। गुड़ और चीनी दोनों का फ्लेवर, अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते हैं तो फिर चीनी ऑप्शनल है। तो मैं दो चम्मच इसमें चीनी डाल ली हूँ। और इसमें चूँकि मैं ये खट्टी मीठी और नमकीन और तीखी हर तरह का फ्लेवर का मैं बना रही हूँ इमली की चटनी। और ये देखिए यहाँ पे मैं ऐड कर ली हूँ 1/2 टीस्पून के करीब ब्लैक सॉल्ट, बहुत ही अच्छा लगता है ब्लैक सॉल्ट आप ऐड करते हैं इसमें। तो ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी ढेर सारा ये मखाने और साथ में किशमिश और थोड़ा सा मैं सूखा नारियल ले ली हूँ, क्योंकि नारियल मैं डालती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है और बाकी मखाने का टेस्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो इससे कम मखाने भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं मखाने बहुत ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ, उसमें मैं ढेर सारा मखाना ऐड कर ली हूँ। और इसमें ये देखिए हमारा जो इमली का चटनी है वो तैयार हो चुका है। आप इसे 15 डेज स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं चपाती और पराठे के साथ। और यहाँ पर मैं मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, लेकिन उसके पहले मैं बरी कड़ी तैयार कर लूँगी। तो बस मैं आपको जैसा बताई कि मैं अपना जो काम है उसे पार्ट में कर ली हूँ, जिससे कि मुझे काफ़ी हेल्प मिल रहा है, खुद का बनाया हुआ शेड्यूल से मुझे काफ़ी हेल्प मिल रहा है इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ पे कढ़ी और फिर दही बड़े का काम करूँगी। तो ये देखिए कढ़ी के लिए भी मैं मसाले जो ले ली थी पीस करके, और यहाँ पर मैं तड़का लगाऊँगी जिसमें हींग, जीरा, लाल मिर्च सबका तड़का लगा लूँगी। तो यहाँ पे इसका मैं बैटर पहले से ही तैयार कर ली हूँ, क्योंकि बस छौंका लगा करके और मुझे इसे अच्छे से उबाल लाना है और फिर उसके बाद मेरा बड़ी कढ़ी भी तैयार हो जाएगा। और उधर भी मैं एक कढ़ाई तैयार चढ़ा दी हूँ दूसरे गैस पे भी, दोनों गैस पे मैं इधर उधर करके सारा काम जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सही टाइम पर डिनर तैयार करना है। और लंच में मैं नहीं तैयार कर पाई थी, क्योंकि घर में थोड़ा सा काम चल रहा था, तो मैं सोची डिनर में ही थोड़ा स्पेशल डिनर बना लेती हूँ। बाकी लंच भी मैं जो मेरे हस्बैंड का पसंद का था वही तैयार की थी, लेकिन थोड़ा सिंपल तैयार की थी। और यहाँ पे ये देखिए मैं तड़का भी लगा ली हूँ, और अब मैं ये जो बेसन का घोल रखी हूँ अब ये मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और सच में बरी कढ़ी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे जिंजर गार्लिक डाला हुआ हो या ना डाला हुआ हो, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर हींग का तड़का आप ज़रूर लगाइएगा, बहुत ही अच्छा इसे टेस्ट आता है। और फिर ये आपको मतलब जैसे एसिडिटी का प्रॉब्लम ये सब हो जाता है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है अगर आप हींग का तड़का लगाते हैं तो। और यहाँ पर ये बेसन का घोल जो मैं तैयार करके रखी थी इसे मैं इस तरीके से इसमें तड़के में डाल दूँगी, और बस अब मैं इसमें बबल्स आने का इंतज़ार करूँगी। और धीमी आँच पे मैं कढ़ी बनाती हूँ, क्योंकि आप जितना ही धीमी आँच पे कढ़ी तैयार करते हैं, ग्रेवी जितना भी धीमी आँच पे तैयार करते हैं और जितना भी स्लो करते हैं, उतना ही आपका ग्रेवी या फिर कढ़ी अच्छा बनता है। तो ये टिप्स आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, और जितना ही आप हाई फ्लेम पे करेंगे आपका उतना टेस्ट नहीं आएगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एक किचन टिप्स भी मैं साथ में दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो मैं गोभी काट कर रखी थी तो उसे मैं थोड़ा सा सैलो फ्राई कर ले रही हूँ, मतलब डीप फ्राई कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादा देर के लिए मैं नहीं फ्राई कर रही हूँ कि मतलब पूरा ब्राउन होने तक, बस गोभी का कलर वाइट ही रहेगा, बस हल्का हल्का फ्राई हो जाए तो मैं उसे निकाल लूँगी। और ये देखिए यहाँ पर मेरा बरी कढ़ी भी तैयार हो गया है, मैं इसमें बढ़िया भी डाल दी थी जो मैं बना करके रखी थी। और सच में बेसन का घोल मैं तैयार करके छोड़ी थी वो बहुत ही फ्लफी हो गए थे और बहुत ही फुल्की टाइप का बरी मेरा बना था। और यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ दही बड़े। दही बड़े के लिए मैं ये दही ले ली हूँ, दही काफ़ी फ्रेश है
तो दही तो यहाँ पे वैसे आपको मिलेगा नहीं, मतलब पैकेट वाला ही मिलता है। आप घर का दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये पैकेट वाली दही है लेकिन बहुत ही अच्छी लगती है। ये मिस्टी मिल्क की दही मैं यूज करी जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, और इसमें मैं ये जो जीरा रोस्ट करके रखी थी, जीरा, धनिया, लाल मिर्च जो रोस्ट करके रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और मैं ऐसे ही बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें मैं ऐड करूँगी ब्लैक सॉल्ट, क्योंकि दही बड़ा बिना ब्लैक सॉल्ट का अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट भी ऐड करूँगी और साथ में नॉर्मल सॉल्ट भी ऐड करूँगी, क्योंकि ब्लैक सॉल्ट से और दोनों का जब फ्लेवर मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस अब मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड करके सारे चीज़ों को अच्छे से दही में फेंट लूँगी। तो हाफ टी स्पून के करीब मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। और दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लेट जाएगा क्योंकि बीच में भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, तो पहले वही मतलब मैं अपलोड कर रही हूँ, तो मे बी ये मंडे या ट्यूसडे को जाएगा। तो बस ये ब्लैक सॉल्ट ऐड करके और इसे भी और नॉर्मल सॉल्ट भी आप देखें कि मैं इसमें ऐड की हूँ, दोनों को मैं इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि थोड़ा सा भी ऐसा ना लगे कि मतलब किसी साइड में ऐसा होता है ना कि अगर आप मिक्स नहीं करते तो कहीं सॉल्टी तो कहीं ऐसे फीका फीका सा लगता है, वैसा ना लगे। तो स्पून की हेल्प से आप उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और दही बड़े को कितने लोग पानी में भिगो देते हैं गर्म पानी में, लेकिन मैं ऐसे सूखा ही डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आप कैसे डालते हैं आप ज़रूर बताइएगा। मेरी मम्मी तो ऐसे पानी में भिगोती हैं फिर उसके बाद ऐसे इसमें डालती हैं, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं उतना परफेक्ट नहीं बना पाती हूँ जैसा मेरी मम्मी बनाती हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब बनाऊँ। तो बस ये भी दही बड़े भी मेरे तैयार हो गए हैं। अगर आप दोस्तों काम कर रहे हैं ना और ढेर सारे लोगों के लिए खाना बनाना है, तो आप अपने काम को पार्ट बाई में, अगर आप अकेले हैं तो पार्ट बाई में कर लीजिए, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलता है। जैसे कटिंग का काम कर लीजिए, फिर डीप फ्राइंग का काम कर लीजिए। और ये देखिए मैं इसमें धनिया और हरी मिर्ची भी काट करके डाल दी हूँ, काफ़ी अच्छा लगेगा इससे मिर्ची का फ्लेवर और धनिया का फ्लेवर से। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी कि अगर आप काम को अपने पार्ट बाई में बांट लें तो काफ़ी हेल्पफुल मिलता है। जैसे कि आप सबसे पहले कटिंग का काम कर ले, आपको कौन सी सब्जियां बनानी है, उसके बाद आप क्या कर ले कि एक दिन पहले जिंजर गार्लिक का पेस्ट तैयार कर ले। अगर आपके पास फ्रीज है तो उसमें स्टोर कर ले, नहीं तो फिर आप क्या करें कि जब आप खाली टाइम में बैठे हैं तो आप अपने गार्लिक के जो गार्लिक को पील कर लें, जिंजर को पील करके रख दे, तो काफ़ी हेल्प मिलता है छोटी छोटी बातों से। और यहाँ पे मैं यहाँ बटर पनीर मसाला बना रही हूँ आज, जो कि बहुत ही क्विक सी रेसिपी है और बहुत ही यम सी रेसिपी है। तो इसके लिए मैं बटर इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि बटर पनीर मसाला बनाना है तो ऑब्वियस है कि बटर ही यूज करूँगी। तो बस मैं बटर को मेल्ट होने के लिए छोड़ दी हूँ पैन में, और ये देखिए बर्तन काफ़ी गंदा हो चुका है, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जब खाना बनाती हूँ तो बहुत ही मेस कर देती हूँ किचन को, और फिर एक से दो घंटा मुझे लगता है पूरा किचन को समेटने में। और यहाँ पे देखिए मैं जीरा और कसूरी मेथी का तड़का लगा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है ये बटर पनीर मसाला। और ये देखिए हमारी जो बढ़िया है वो तैयार हो चुकी है, तो इसे मैं दूसरे सर्विंग बाउल में इसे मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। और साथ साथ ये देखिए कितना फ्लफी बना है, क्योंकि मैं क्या की थी ना कि बेसन को घोल करके और छोड़ दी थी हाफ एन आवर। ये बटर पनीर के लिए मसाला इसे मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दी हूँ, और इसमें मैं टमाटर, काजू, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी का एक टुकड़ा, ये सब डाल करके इसे मैं अच्छे से इसे कुक कर ली हूँ। साथ में मैं इसमें डाली हूँ लौंग, जीरा और काली मिर्च और अदरक का एक टुकड़ा और लाल मिर्च। सारे चीज़ों को मैं अच्छे से पका के और अब मैं इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो ये मैं इसे अब छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए पकने दूंगी। यहाँ पे ये देखिए मेरा तेल गर्म हो चुका है दूसरे साइड में, तो इसमें मैं मसाला मैं तैयार करके रखी थी, जीरा लहसुन तो उसमें इसे भी ऐड कर लेंगे। और इधर मेरा बटर पनीर भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, देखिए तेल बटर अलग होने लग गया है। और ये मेरा जीरा जो है, जीरा और कसूरी मेथी वो चटक गया है। और दोस्तों मैं पूरा रेसिपी मैं आपके साथ मतलब प्रॉपर शेयर नहीं कर पा रही हूँ, जैसे कि मैं पहले भी बताई कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी,
क्योंकि बहुत सारी रेसिपी में। तो ये मैं इसे अब छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए पकने दूंगी। और यहाँ पे मैं आलू गोभी भी बना ले रही हूँ, ये हरे मटर में डाली हूँ, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और बाहर में बहुत तेज़ बारिश हो रही है गाइस, तो बस अब मैं इसमें मसाले भी डाल दूंगी और मसाले डाल करके मैं इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। और बस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मेरा बटर पनीर मसाला भी रेडी हो चुका है। तो इसमें मैं अब पनीर डाल दूंगी जो मैं काट करके रखी थी, और यहाँ पे मैं पूरियाँ भी बना ली हूँ। तो गाइज आज हमारा जो डिनर है वो तैयार हो चुका है, और मैं अपने हस्बैंड के लिए डिनर तैयार कर ली हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या तैयार की हूँ। तो गाइस देखिए ये मेरा पूरा खाना जो है वो रेडी हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं सेवइयाँ बनाई हूँ, ये यहाँ पे बटर पनीर मसाला, इमली की चटनी है, ये मिर्च की चटनी है, मेरे हस्बैंड की ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी, ये है कढ़ी, बरी कढ़ी, हमारे बिहार में ये बहुत फेमस है। और ये है आलू मटर गोभी की सूखी सब्जी, वो वहाँ सैलड है। ये यहाँ पे पूरियाँ बनाई हूँ मैं, ये दही बड़ा है, ये पापड़ है, और साथ में मैं बनाई हूँ चावल, प्लेन राइस बनाई। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक, अब हम लोग अपना डिनर कर लेंगे, आप लोग भी अपना डिनर कर लीजिए। मिलती हूँ मैं फिर से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।